ऊपर जो झूठ बोला, हमने उस झूठ को पकड़ा और आपको हमने इनाम की ऑफर भी दी कि उस झूठ को साबित करें, क्योंकि ये झूठ हमारे दिल को बहुत तकलीफ दी इसने, बल्कि तमाम मुसलमानों के दिल को इसकी बड़ी तकलीफ हुई। और जो झूठ आपने बोला है उसको साबित करने के लिए आपने हमारे उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और हमें ये ऑफर दी कि वो 500 यूरो कहीं पे रखवा दे, मैं हवाले पेश करूंगा। वो 500 यूरो भी रखवा दिया गया और उसके बाद आप आज तक फरार हैं। नाम है आपका मीर लतीफ, तो मीर साहब कश्मीरी बने मरासी ना बने, प्लीज खुदा के लिए या आपके ये लाश का वास्ता है आपको, आपने जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था वो हवाला पेश करें और शेख अहमद दीदार को झूठा साबित करके हम सब मुसलमानों का आप नाम खराब करें। आपके पास ऑफर है और अगर आपके पास वो हवाला नहीं है तो खुदा रहा, बल्कि ये लाश का वास्ता आपको, आप अपने इस फेल की माफी मांग लें, इस झूठ की माफी मांग लें। हमने कौन सा आपको कत्ल कर देना है, आपके कोई सर फाड़ देना है या आपके कपड़े फाड़ देने हैं, माफी मांग लें। आपसे गलती हो गई है, कह दें जी स्लिप ऑफ टंग हो गई है, नो प्रॉब्लम, माफी मांग ले आपने इस हरकत से और आइंदा के लिए तोबा करें। आपने अभी तो सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह पे भी झूठ बोला है, उसका तो अभी हमने जिक्र ही नहीं किया। जो पहले आपने की है पहले उसको साफ कर ले और अपने इस झूठ की माफी मांगे। और जो 500 यूरो आपने इनाम रखवाया था हमने, वो हमसे ले ले जी हवाला पेश करके। जी बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। ते दसो अबू बकर भाई, भी जेड़ा ये आखे ने भाई तू सा डूम न बढ़ो ते ही ना लगवा खवा जा भाई, नहीं तो सन दो चार जेड़ा ना कोई हारमोनियम चाह के ते कोई चीज सुना दियो इस दे ते बिड़ा भाई। हाँ जी बिलाल साहब, करो कैमरा ऑन अपना। नदीम भाई तुम मौजूद हो? बिलाल साहब दे लगदा सौंग है ने। कभी यार रसूल मीनी साहब का भी कैमरा ऑन करा देना। ना 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 ना, बगैर हम जेड़े साढ़े बहुत खसूसी डिबेटर ने ना, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल मजबूर, बल्कि उन्होंने गाली नहीं करनी। ए तू ना जोर ना आख्या कर, एक तू हे यार लफ्ज कोई भी ना बोलिया कर। जरूर ही नहीं करना। अच्छा नदीम साहब मौजूद है? नदीम, नदीम भाई, नदीम परवेज भाई। अच्छा मैं तुम्हें एक रात की गल सुना। राती मैं एक्सरसाइज कीती है, आज मैं टोर ना सकता, मेरे पूरे जिस्म में दर्द आने। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ताहिर रंजन साहब को बुला लो यार, कैमरा ऑन करवा के ना वीडियो रिकॉर्ड करवा लो। ताहिर रंजन साहब भी कर देंगे। ते नदीम साहब तुसी मुझे लगता तुसा मसरूफ हो किते। बिलाल साहब आ गए वापस? सिकंदर मिर्जा भाई, मैंने जिया रसूल भाई को देखा हुआ है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आज का नहीं है, ये पता नहीं काफी टाइम हो गया है। कितना बचपन में? तकरीबन 6 7 8 महीने होने वाले हैं। ओए होए, तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया फिर तो। मतलब बचपन तो पहले देखा धोखा नहीं, साडा ईमान नहीं मंदा कि जिया भाई साहब में दखल कैमरा करें। बिलाल है सो गए अच्छा जिया भाई, और मेरे ख्याल है चढ़ गए ने यूट्यूब दे उते ही ना। जिया भाई दा कैमरा ऑन करवाओ। ना सनी चंद जिया भाई दा जो कैमरा बंदा जिया भाई दा कैमरा ऑन करवाएगा ना, तो
ਜਿਆ ਭਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 10 ਆਮਿਰ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣ। ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲਾਈਵ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ISI ਦਾ ਚੀਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢੱਲੋ ਨਾ ਯਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਦੀਮ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਦੀਮ ਬਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕਤੇ ਕਿ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਵੋ ਨਿਭਾਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜਫ ਨਜਫ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਰਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਓ। ਜੱਟ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਨਾਲੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਖੋਲੋ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਊਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ, ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ। ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਲਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛਡਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਹੁਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਖੋਲਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ, ਹਾਲਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਲਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਆਨ। ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਡੀਓ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਾਸਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਐ ਬੋ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਐ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਿਆਨ,
अबू बकर मीर भाई ने रिकॉर्ड कराया, यूसुफ भाई ने रिकॉर्ड कराया, मलिक इमरान ने कराया रिकॉर्ड, नजब बास ने कराया रिकॉर्ड। नजीर साहब अपना असलीम मरबी के उत्ते बयान ही है ना, मीर लतीफ का नाम है, मीर लतीफ, लतीफ मीर कह लो, मीर लतीफ कह लो। नहीं वो तो रिकॉर्डिंग के बाद फिर जरा थोड़ी जी रिस्पेक्ट ही आ जाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, मीर लतीफ साहब जरा यूरो वाला मसला वे यूरो, हाँ जी सुन लो ना साथियों, चलो तो पहले अभी भी तहरीर लिख ली है, नहीं नहीं देर मैं दूजे मोबाइल पे आओ मैं सुन लेना। मतलब कैसर साहब तुसा करनी रिकॉर्डिंग के नहीं करानी, रिकॉर्डिंग करानी के थाने जाना है? मलिक साहब ना कह रहे ना कि मैं मुंह तो आवा, मैं कह मुंह जरूर तो वो कंदी वाओ अपना खालिद भाई रिकॉर्डिंग कराओ। कादी आवाज है, मेरी आवाज आ रही है हूँ आई है, वो कहने लगता खूह चु आ रही है, रजाई तो थलियों आ रही है। वो वाकई इस तरह वो ना कनेक्शन किस तरह नहीं ठीक है, लेकिन मैं वो ला लेना, मैं रिकॉर्ड कराने तैयार हूँ। नहीं ए वड्डी स्क्रीन पे आ जाओ, मैं तो उन्हें ऑन ही करना, रिकॉर्डिंग मैं ऑन करूँगा जिससे तुम आखोगे। ओ अपना जिया भाई सही करो जरा स्क्रीन जी, ठीक है एक मिनट पहले मैं कन्फर्म कर दूँ, ज़्यादा बेहतर है ना कि नो है ये बात बिल्कुल बेहतर है, ठीक आ रही है, फिर खराब होगी बात, आगे बेहतर हुई सी बात फिर खराब होगी। एक मिनट जा रहा है सिग्नल तो, नहीं नहीं मैं तो हेडफोन कदे लाए नहीं, ऑन वाल ठीक है बिल्कुल, अच्छे ठीक है, ऑन वाल ठीक है, अच्छे ठीक है, बेहतरीन है, अच्छे बात ठीक है बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो पीछा ना होंगी और कट ना होंगी ठीक है, नहीं नहीं करता नहीं करता, मैं हेडफोन कदे लाए नहीं यार। जी अस्सलाम वालेकुम, लो जो कैमरा की ध्यान है, कैमरा ऑन करके उन सेव करी दे, सानी तुसी नजर आ रहे, कैमरा नहीं ना मैं ऑन करना, नहीं कैमरे ही ध्यान करना है, ओ नहीं कैमरा नहीं कर सकता, क्यों ओ मसला है मेरा एक तुम दस तुम पता है केड़ा मसला है तुम्हारा, तुम दस है मैं प्राइवेट कख नहीं होने लगा, बत्ती बाल के मैं रिकॉर्डिंग कर दी, मैं कंघी भी नहीं बाई रिकॉर्डिंग, तारिक चौहान नु आखो ना, तारिक चौहान नु आखो, यूसुफ भाई तुसी मॉडरेटर हो जी, मैं थल्ले उतरना दूजे मोबाइल तो मैं आना, ओके कहते तो मैं ना सुनाना मैं जड़ियां सवेरे रिकॉर्डिंगा कीतियां ने नाल दसना कि इंजन नु करना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, मैं जुबैर खान हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, फसादी मौलवी और रबुआ के अहमदी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मुकर्रमी ताहिर भट्टी साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में हकूमती इदारों और फसादी मौलवियों को बर वक्त मतले कर दिया है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो रब्बा की तरफ मत जाए, हकूमती इदारे और फसादी मौलवी इस थोड़ी सी गुफ्तगू को ही काफी समझेंगे, इस हैसियत में जब आप वहां जाके ये हरकत करेंगे और वहां मस्जिद अक्सा की जो 50 की दहाई की जो मस्जिद बनी हुई थी उसके वो मीनारे और चार दीवारी और सारा कुछ है वो तो बर्बाद करेंगे तो हम आपका मुंह देखते रहेंगे, उस वक्त आप गंदे होंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोज होंगे आपका ये जो परसोना है, और दूर के मुल्कों ने आपका क्या करना, इंडिया आपके मुंह पे मार रहा है, पहले ही मारता है इस चीज को, आप मुसलमानों के राइट्स और कश्मीर के में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं कि बात करते हैं तो डाक वो आपके मुंह पे मारते हैं अहमदियों का इशू, आप करके देखें आगे रब्बा में सरकारी तौर पर पॉलिसी क्या है, हम ये कहते हैं कि आप अपनी यूनिफॉर्म हम हुकूमत से मत्था नहीं लगा, वो भी खलीफा वक्त का, जब तक ये डिसीजन है कि हमने हुकूमत का सामना जवाब नहीं देना, जब ये खुदा को सामने आ रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं, हमसे पहले अल्लाह ताला ने वैसे आपकी हर दफा पकड़ की है, हमसे पहले वो खुदा दौड़ के आता है और आपका बेड़ा गर्क होता है
कल के प्रोग्राम में मैं यही कह रहा था कि पीनट समझ के मरते ने मरण दो इन्हों की कड़ी, तो उसके पैरेलल आप बर्बाद हुए हैं, हर दहाई में बर्बाद हो गए। अब भी आप करेंगे जब तक खलीफा वक्त का ये डिसीजन होगा कि हाँ हमने यूनिफॉर्म वाले को नहीं आगे से जवाब देना, तो ठीक है आप आए कर लें, लेकिन उसके साथ आप एक्सपोज होंगे, आप नंगे होंगे और आप गंदे होंगे। दूसरा सिनेरियो है आपके साथ मौलवी भी आ जाए, जैसे होता है ये जो वीडियोस आती हैं पुलाड़े वो चला रहे हैं, दो चार यूनिफॉर्म वाले आप खिलोते हुए अब कस्बे वो तोड़ रहे होते हैं और आराम टोपी वो के हाथों से भी हो रही है, आपके यूनिफॉर्म वाले साथ यूं खड़े हैं जी तोड़वाने के लिए। ये हरकत आप रब्बा में नहीं कर सकते, क्यों? उसका एक इंतजामी तौर पर प्रेसिडेंस हमारे पास मौजूद है, मिर्जा मंसूर अहमद साहब थे नाजरे आला और अमीर मुकामी, उनके पास हुकूमत का पूरा वफद आया था, जो मोहम्मद अली साहब ने ये वाकया खुद सुनाया हुआ है और जमात अहमदिया ने कभी इसको डिनाई नहीं किया, कहीं पब्लिश नहीं है, मैंने ही जिक्र किया था एक प्रोग्राम में पहले भी। तो उन्होंने आगे कहा तो कि जी हमें इतला मिली है जी आपके बहिश्ती मकबरे में असला दफन है तो हम तलाशी लेना चाहते हैं। फौज का बंदा भी था, सीआईडी का भी था, इंटेलिजेंस का भी और ये फैसलाबाद का एसपी या कोई इस तरह का भी था, पुलिस ग्रुप का भी सीनियर। उन्होंने कहा जी आप हुकूमत की तरफ से आए हैं, मैं साथ भेज देता हूँ किसी को, आप जाके अपनी अच्छी तरह तसल्ली कर लें। और डी आई जी फैसलाबाद बोला, उन्होंने कहा जी हमारे साथ कुछ मुलाने भी जाएंगे अंदर ताकि उनकी भी तसल्ली हो जाए। मियां मंसूर अहमद साहब ने कहा हाँ वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनको आप वैसे जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ अगर मुलवाड़े अंदर जाएंगे बहिश्ती मकबरे में तो उनको बहिश्ती मकबरे में दाखिल होने से पहले मेरी डेड बॉडी पर से गुजरना पड़ेगा। फिर कोई नहीं गया, वजह यह है कि मौलवी आपका लाडला है, हमारा लाडला नहीं है। हम आपके यूनिफॉर्म और आपके आईनी इदारों और आपकी आईनी हैसियत का तो लिहाज कर सकते हैं, हम मौलवी की हैसियत का कतन हमें कोई लिहाज नहीं, लिहाजा आप रब्बा में मुलवाने साथ लेके जुलूस नहीं आ सकेंगे। ये एल्टीमेटम बकवास है, आप ये कर नहीं सकेंगे, करना होता तो उस दिन फिर चले जाते ना बैठी मकबरे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं जुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। फसादी मौलवी और रबुआ के अहमदी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मुकर्मी ताहिर भट्टी साहब ने बड़े वाजे अल्फाज में हकूमती इदारों और फसादी मौलवियों को बर वक्त मतले कर दिया है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो रबुआ की तरफ मत जाए। उम्मीद है हकूमती इदारे और फसादी मौलवी इस थोड़ी सी गुफ्तगू को ही काफी समझेंगे। इस हैसियत में जब आप वहां जाके ये हरकत करेंगे और वहां मस्जिद अक्सा की जो 50 की दहाई की जो लगता है ना गोली देनी पैनी, उसके वो मीनारे और चार दीवारी इन्हें को गोली देनी पैनी पट्टी ना जी। आमिर भाई आई एम रेडी। वखरी ना बनायो, करो जी कैमरा ऑन करो जी मलिक साहब, कैमरा ऑन हो गया, एक मिनट मैनु रिकॉर्ड अच्छा जी, आज का खास बयान उस बात के मुतालिक जो मीर लतीफ ने कुछ अर्सा पहले की थी, तकरीबन आलमोस्ट 4 महीने गुजर चुके हैं उस बात को, और मीर लतीफ़ ने, मैं उसको साहब नहीं कहूँगा क्योंकि बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं वो, तो मीर लतीफ़ ने एक इल्ज़ाम लगाया था अहमद दीदार साहब के ऊपर, और उसकी वो फिर उन्होंने अपना एक डाउट भेजा
जिसका नाम अदील बर्लन है, और उसने आकर 600 यूरो का इनामी रकम का भी ऐलान किया। तो अब 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं, मीर लतीफ साहब ने अभी तक कोई भी हवाला हमारे हवाले नहीं किया, ना ही अपनी बात से रजू किया, ना ही आके माफ़ी मांगी। एक बराड के ऊपर मीर लतीफ़ साहब से जब मुलाकात हुई, तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा ये मुतालबा है कि आप हमें वो हवाला दें, तो उन्होंने बहुत ही नंगी और गलीज़ किस्म की गालियाँ दी और गालियों की बुछाड़ कर दी। उसके बाद उनका एक और हामी आया, उसने भी आकर गालियाँ दी। तो ये गालियाँ देने से काम नहीं चलेगा, आपको हवाला देना पड़ेगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारी जो जनरेशन है, वो डॉक्टर जाकिर नायक को और उनके उस्ताद अहमद दीदार साहब को बहुत पसंद करते हैं, और आपने ये कितना भोंडा और बुरा इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका अकीदा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जैसा था। क्या ये पॉसिबल है? आपने इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन अभी तक आपने उस इल्ज़ाम का एक भी प्रूफ नहीं दिया। तो आप इस बात को डी एस्केलेट करें, इसको एस्केलेट ना करें, ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ा मसला बन जाए आपके लिए। तो आप फौरन से पहले या तो हमारे हवाले वो हवाला जात करें, या एक छोटी सी बात आकर छोटा सा एक रिकॉर्ड हमें भिजवा दें कि जी मैं माजरत करता हूँ, ताकि हम उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें और अपने बच्चों को ये बताएं, देखें जी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का जो अकीदा है वो बिल्कुल भी अहमद दीदार वाला नहीं था। इतनी सी बात से आपकी कोई इज्जत नहीं घट जाएगी, बल्कि आपकी इज्जत बढ़ेगी। कोई आपकी इज्जत नहीं घट जाएगी, कोई आपके क्राउन नहीं उतर जाएंगे। सारी दुनिया देख रही है कि आपने एक झूठ बोला है, और उस झूठ की वजह से अब आप छुपे बैठे हैं। तो आपसे ये मोदबाना गुजारिश है कि मसले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, उस अंदाज में इसको सॉल्व करने की तरफ लेकर आए, और जस्ट एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करा दे, भाई मुझसे गलती होगी, बस ये मामला उधर ही ख़त्म हो जाएगा। जी थैंक यू आमिर नज़ीर भाई, बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, ज़बरदस्त। दूजे केड़े केड़े बंदे रह गए ने? अहमद अली रह गया, नदीम भाई रह गए, बिलाल हनीफ रह गया। अगर इम्तियाज भाई ते अदनान भाई भी आ जाए, अहमद अली रह गया, देखो यूसुफ भाई ए मैं तैयार कर लेता जे पूरा, वेरी गुड, देखे अजय मैं काम जारी है। जी है अल्लाह ही ला लो। नहीं मैं सब्जियां लगाई थी नहीं। पूरा मैं बनाया आप ही आलू और गए होंगे, आलू ला लो। एथू मेरा कमरा जिसा जिस टाइम मेरा ये सनरूम है ना, एथू जिस टाइम में खुलेगा ते ये इस दे विच आ जाएगा, इस दे विच ये पर्दे लगनगे ये वो सारा कुछ, और नीचे फर्श बनेगा, ते फिर देखना इस दे अंदर क्या ही मजा आएगा। हुकूमत को इजाजत नहीं लेनी पैंदी इस तरह एक्सटेंशन? नहीं ये मेरी अपनी जगह है, मैं क्यों लेनी चाहूंगा अपनी, मैं तो भी साडे दे तो मुंह की इजाजत बगैर नहीं बना सकता। नहीं नहीं कोई नहीं, उठे आमिर भाई ना इटली दे विच एक आंटी ने छपरी बनाई एंजे ना छोटा जे गैराज टाइप, ते यकीन करो आए जेड़े ने कमोने वाले उन्हें 4000 यूरो दा जुर्माना कीता। आहो कर सकदे इत्थे इजाजत बगैर नहीं। मौलवी नईम साहब जितू मर्जी गल शुरू करो, रिकॉर्डिंग कराओ, आके कंगी पट्टी वाहो, रिकॉर्डिंग कराओ सारे।
मेन मेन ही ना कराओगे तो जेडे आम मौलवी ने उन्होंने कहेंगे अस करांगे। जया भाई ने कि जाके यूट्यूब तो नहीं ऑन कर लिया है? हाँ जी ऑन है यूट्यूब, लेकिन ये प्रोग्राम ही शुरू हो जाते। अच्छा अच्छा अमर भाई आने लगा मैं के रिश्तेदारों आ जाओ उधर, बस लग गया मिनट रह गया, एक मिनट ही रह गया। ओके करनी है सारी तैयारी को नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ। ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ? ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ। ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਲਕ ਔਰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਲਕ ਔਰ ਰਾਗ ਰੱਖ ਸੜਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੂਮਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਫੋਕਸ ਉੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਲਾਹੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ।